Hey everyone, how are you? I hope you all are fine and doing good. Myself Abhishek Sanu and welcome to Abhishek Sanu blog. So guys, it's 5 PM right now and here I wake up so early and here I am taking some coffee because आजकल क्या हो रहा है ना कि मॉर्निंग में उठने के बाद भी मॉर्निंग में नींद आने लगती है. सो खुद को रिफ्रेश करने के लिए कभी कॉफ़ी या कभी चाय का यूज करता हूँ. एंड हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ केमिस्ट्री. एंड इन नाउ डेज मैंने अपना स्टडी टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंज किया है. पहले क्या करता था कि मैं 2 आवर्स फिजिक्स पढ़ा, 2 आवर्स केमिस्ट्री, फिर 2 आवर्स बायो. इस टाइप से मतलब मॉर्निंग में भी स्टार्ट करता था और इसी तरह से पूरा दिन में पढ़ता था. लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना कि 3 स्लॉट मैंने बुक किया है, एक लंच से पहले मतलब मॉर्निंग से लंच तक, फिर लंच से लेके इवनिंग के डिनर तक, और फिर इवनिंग के बाद जो भी टाइम होता है मतलब नाइट का, उसका अलग मतलब 3 स्लॉट बुक कर लिया है. लाइक फर्स्ट स्लॉट में मैं आज कर रहा हूँ केमिस्ट्री, मतलब मैं लंच तक सारा का सारा केमिस्ट्री जो भी मेरा आज का टारगेट होगा, लाइक मुझे आज करनी है इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक एंड डी एफ ब्लॉक. हालाँकि मैंने पी एंड डी एफ ब्लॉक पहले भी किया था, बट एक बार मैं फिर से करने वाला हूँ. और साथ साथ जो है मुझे अल्कोहल, फेनॉल, ईथर जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, उसके मुझे PYQ सॉल्व करने हैं. साथ साथ हेलो एल्किन्स और हेलोडिन्स के जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसे मुझे एक बार फिर से कंप्लीट करना पड़ेगा. और यहाँ पे मैंने कल जो रिएक्शन किया था कंप्लीट चार्ट से उसे मैं रिवाइज कर रहा हूँ. और फिर मुझे आज करनी है फिजिकल केमिस्ट्री में जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन. एंड मैंने लास्ट टाइम केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन किए थे बट मैंने हाफ ही किए थे. सो मैं आज का टारगेट है मेरा, मैं उसे भी कंप्लीट करूँ. आई नो कि ये बहुत बड़ा सा टारगेट है, इतना सब करना काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, बट थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेज करना पड़ता है बिकॉज लास्ट टाइम में तो PYQ बहुत ही हेल्पफुल है जैसा कि मैंने बताया. और अभी रिविजन नहीं करोगे तो जितना भी 1 साल पढ़ा है ना वो सब व्यर्थ ही चला जाएगा. मतलब फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि हमारी माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को जल्दी जल्दी भूल जाती है. सो उसे याद दिलाने के लिए यू नो कि रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है. और अभी अपने हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखो, लाइक ऐसे नहीं कि बाहर का बहुत ज़्यादा खा रहे हो, कभी जग रहे हो, कभी सो रहे हो. मतलब अपनी एक जो सर्कैडियन रिदम होती है ना बॉडी की, उसे मेंटेन करना है. और अपना खुद का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है, आपको बीमार बिल्कुल भी नहीं पड़ना है. और साथ साथ आई नो कि स्ट्रेस होता ही है, तो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आप वो काम कर सकते हो जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. लाइक मैं सॉन्ग सुन लेता हूँ कभी पढ़ते पढ़ते, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं ईयरफोन में कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा लेता हूँ, कुछ भी मतलब जो भी आपको अच्छा लगे उस टाइप का म्यूजिक लगा के वो आप सुन सकते हो. एंड यहाँ पर मैं कर रहा हूँ फिजिक्स के क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल इसलिए क्योंकि इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं और मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है. सो डाउट भी बहुत कम ही आते हैं, सो काफ़ी अच्छा सा लगता है, मोटिवेट सा होता है कि मतलब ठीक है मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ. मतलब बेसिकली क्या है ना, ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, इसकी वजह से मैं जो क्वेश्चन किया हुआ है ना मैंने उसे रिवाइज़ कर रहा हूँ. ऐसा नहीं कि मैं नए क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ और फिर मैं अटक जाता हूँ और फिर मेरे सॉल्व नहीं होता तो फिर मैं डिमोटिवेट ही होता हूँ. सो अगर आप भी ऐसे सॉल्व कर रहे हो और अगर आपसे बहुत ज़्यादा फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं नए वाले, सो आप कोशिश करो कि जो आपने पहले कर रखे हो उसे आप एक बार फिर से रिवीजन के लिए कर लो. सो डैट ये आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बूस्ट होगा और कॉन्सेप्ट फिर से रिफ्रेश हो जाएंगे. और नीट में उतने हार्ड क्वेश्चन आते भी नहीं हैं जितना आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा करना पड़ता है फिजिक्स में. बट बहुत सारे लोग बोल रहे थे फिजिक्स में मेरे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं. सो मैंने पहले ही बोला अचानक से मार्क इंक्रीज़ नहीं होते, आपको फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगे तो जाके कुछ 2-4 क्वेश्चन सही कर पाओगे. बिकॉज एक लेवल के बाद ना हमारा सिचुएशन आ रहा है कि मतलब अगर आप किसी 120 मार्क्स आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, तो आपको 150 में जाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है. लाइक मेरे भी पहले क्या होता था कि 120 से 130 के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता था और कई बार ऐसा होता था कि मैं गलत डायरेक्शन में एफर्ट लगाता था और उससे मेरे मार्क्स डिक्रीज ही हो जाते थे. सो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, बट आपको जो भी लगता है ना कि PYQ इंपॉर्टेंट है तो आपको PYQ अभी सॉल्व करने चाहिए, आपको सारे फॉर्मूले रिवीजन करके जाने चाहिए. और जो भी कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आपको जो लगता है, ऐसा नहीं है कि जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं इस टाइप से, जो आपको लगता है उसे आप पहले कंप्लीट कर लो. सो गाइज, आफ्टर माई लंच, इट्स ऑलरेडी 2 PM राइट नाउ एंड हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई एम नीट टेस्ट 20. आई नो कि मतलब वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है बिकॉज आपको पता है कि आप इस टाइम में मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता एडिटिंग में, रिकॉर्डिंग में या कुछ भी करने में. मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि मेरी स्टडी अफेक्ट ना हो, मैं ज़्यादा इधर डिस्ट्रैक्ट ना हो. सो आई एम सॉरी कि मतलब वीडियो लेट अपलोड कर रहा हूँ. आई थिंक कि आप लोग समझ रहे होंगे और आप लोग एडजस्ट भी कर रहे हो. सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट.
एंड बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अभी टेस्ट कब तक दोगे या कितने टेस्ट अभी और देने चाहिए। सो देखो टेस्ट आई थिंक कि 15 तक आप दो ही, एक दिन पहले आप ना भी पढ़ो तो भी चलेगा, लेकिन 15 तक आप टेस्ट देते रहो। एंड मैनी ऑफ यू आस्किंग कि अभी क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारा सिलेबस होता है तो हमें समझ नहीं आता हमें किसका रिविजन करे और किसका छोड़े। सो देखो अभी आपको जो लगता है ना कि आपका सबसे वीक टॉपिक है, आप उसे पहले कंप्लीट करो और PYQ सॉल्व करते जाओ। अगर आपको लगता है कि हाँ इसकी रिविजन करने की ज़रूरत भी नहीं है तो आप उसे रिवाइज मत करो, आप PYQ सॉल्व करो। अगर PYQ सॉल्व हो रहे मतलब आपका वो चैप्टर कंप्लीट है। एंड नीट के एग्जाम के एक दो दिन पहले जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बायो के NCERT से, उसे आप एक बार कंप्लीट करके जाना, और जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है फिजिक्स के एंड फिजिकल केमिस्ट्री के, उसे सारे अलॉन्ग विद देयर नोटेशन और कहाँ कहाँ उसे अप्लाई करना है वो सब सारी चीज़ें एक बार माइंड में एक बार रिकॉल कर लेना। एंड हियर माई टेस्ट इज़ डन, सो हियर आई एम गोइंग टू सबमिट, एंड माई स्कोर इज 626 एंड रैंक इज 773। एंड सब्जेक्ट वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा जूलॉजी में और बाकी सब में एवरेज ही हैं, किसी में ना ज़्यादा ना किसी में कम। और आफ्टर माई टेस्ट मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया और फिर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्ट के बाद, टेस्ट एनालिसिस, जो कि सभी को करनी चाहिए। देखो हम टेस्ट क्यों देते हैं, इसलिए नहीं कि हमारे नंबर आए, बल्कि हमें ये पता चले कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और फिर उसमें सही कर सके। सो आफ्टर एवरी टेस्ट टेस्ट एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आप लोग भी टेस्ट एनालिसिस करना। एंड हियर माई टेस्ट एनालिसिस डन, एंड हियर आई एम गोइंग फॉर सम इवनिंग स्नैक्स, लाइक थोड़ा सा मुझे बाहर कुछ काम भी है सो मैं अभी बाहर आया हूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, पढ़ाई करते रहे, ओके बाय। मेरी सौ बीमारियों का तू इलाज है, तू ही मेरा बीता वक्त तू ही आज है, दिन महीने साल कम पड़ेंगे संग तेरे, जिंदगी जो मांगू पूरी क्या ख्याल है।